अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के कंधों पर हरा गमछा नहीं दिखेगा। वर्षों से अपने कंधे पर हरा गमछा डालकर घूमने वाले राजद नेता भी अपने अपने कंधों पर गमछा नहीं डाल पाएंगे। हालांकि बिहार राज्य के राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 10 सितंबर से शुरू होने वाली तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर ये निर्देश जारी किया है, लेकिन जगदानंद सिंह का ये निर्देश चर्चाओं का केंद्र बन गया है। क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल उनकी ये यात्रा 10 सितंबर से शुरू हो रही है। 17 सितंबर तक चलने वाली इस आभार यात्रा के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये भी कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता हरा गमछा का इस्तेमाल ना करे, सब लोग हरी टोपी और बैज का इस्तेमाल करें। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। वैसे यहाँ बता दें कि कुछ साल पहले तक लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर मुस्लिम और यादव यानी कि MY समीकरण के भरोसे चुनाव जीतने का आरोप लगता था। कुछ हद तक वो आरोप सही भी थे, लेकिन जब से तेजस्वी यादव सक्रिय हुए हैं, तब से वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि MY समीकरण से बाहर निकलकर प्रदेश की सभी जातियों को साथ लेकर चला जाए और इसी पर राजनीति की जाए। तेजस्वी की कोशिश है कि OBC और SC/ST की सभी जातियों का भरोसा जीता जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार की इकलौती ऐसी पार्टी है जो दलितों, शोषितों और वंचितों के हक और सम्मान की बात करती है। वैसे सबको पता है कि हरा रंग मुस्लिम समुदाय के बेहद करीब है। शुरू शुरू में हो सकता है कि शायद लालू यादव ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ही उस रंग का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि लालू यादव को उसका फायदा भी मिला था, लेकिन तेजस्वी यादव अब कुछ अलग करना चाहते हैं। वो अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कुछ सीखना चाहते हैं। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने PDA बनाया यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव को उसका फायदा भी मिला और उनकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उनकी पार्टी के 37 प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने और तेजस्वी यादव भी शायद कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। इसलिए जगदानंद सिंह ने इस तरह का निर्देश जारी किया है। उधर BJP और JDU के नेता ये कहकर राजद पर हमला कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का राजद से मोह भंग हो गया है या फिर राजद को मुसलमानों की जरूरत ही नहीं है। वैसे BJP और JDU के नेता मुसलमानों को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो 100% सही है कि आज भी बिहार में राजद ही मुसलमानों की पहली पसंद वाली पार्टी है। अब ये देखना होगा कि बिना हरा गमछा लिए तेजस्वी यादव की आभार यात्रा कितना सफल होती है और तेजस्वी के आभार जताने के बाद बिहार में माहौल क्या बनता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।